वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो देखिए, अब मैं जा रही हूँ, मतलब आ चुकी हूँ अपनी मम्मी के घर पे। और अब हम जा रहे हैं घर पे, मतलब अभी हम डेयरी पे थे, जो पापा थे ना वहाँ पे, तो डेयरी पे थे, इसलिए अब हम जा रहे हैं घर पे। और चलिए आप सबको भी लेके चलती हूँ मैं घर पे। और मायके में आना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो अब हम आ चुके हैं घर के अंदर। तो यहाँ पे हम सारे लोग एक साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे। और ये है मेरा भाई, मुझसे छोटा, और जो मेरे साथ में बैठी हुई हैं ये है मेरी भाभी, मतलब मेरे भाई की वाइफ। और साथ में है छाया, जो मेरी भतीजी है, मेरे भाई की बड़ी वाली बेटी। और एक इनका बेटा है, ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है। तो हम लोग सारे यहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहे थे। तो भाई जब हम साथ में बैठते हैं ना, तो भाई बहुत ज़्यादा हंसी मजाक, मतलब भाभी के लिए करता रहता है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा हंसी मजाक आती है। और वो बुरा नहीं मानती, उनको पता है कि इनकी मजाक करने की आदत है। जब हम लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वो इसी तरीके से कुछ ना कुछ उनके बारे में बोलता ही रहता है, तो बहुत ज़्यादा हंसी आती है। और अभी हम इंतज़ार कर रहे थे अपने छोटे वाले भाई का, क्योंकि पापा ने उसको किसी काम से बाहर भेजा हुआ है। तो वो भी हंस रही थी कि दीदी ये ना हर समय मेरे ऐसे पीछे पड़े रहते हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, वो मजाक करता रहता है, और हम लोग आते हैं ना तब ज़्यादा करता है हंसी मजाक इसी तरीके से। तो छोटा भाई कहीं गया हुआ है, अभी आएगा। जब वो आ जाएगा तब हम फिर साथ में टीका करेंगे। और छोटी वाली मेरी भाभी अभी है नहीं यहाँ पे, वो अपने मायके गई हुई है, और इस बार मिली भी नहीं हम लोगों को, क्योंकि उसकी थोड़ी सी ना तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, आराम से आ जाना। तो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं भाई दूज, और जैसे हम अपने मैंने ससुराल में किया था ना, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करते हैं। मतलब भाइयों को भी बिठा लेते हैं और भाभीियों को बिठा लेते हैं, भतीजों को भी बिठा लेते हैं, लेकिन वो नालायक तो आते ही नहीं, मतलब वो खेलने में लगे हुए हैं। क्योंकि सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना एक साथ, तो वो बैठते ही नहीं, उनके पीछे तो हमें थाली लेके जाना पड़ता है, तब उनका टीका करना होता है। तो इस तरीके से सबसे पहले मैंने किया था, उसके बाद मेरी सिस्टर ने किया था। और सबसे छोटी वाली जो मेरी सिस्टर है ना, वो अभी इस बार नहीं आई, तो बस उन मतलब उनकी भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो नहीं आई। बात हुई थी उससे कि दीदी इस बार मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, बस इसलिए। तो अब वो आएगी बाद में जब तबीयत ठीक हो जाएगी, तो इसलिए हम दोनों ही थे। और इस तरीके से हमने यहाँ पर भाई दूज सेलिब्रेट किया। मामू पैसे देते हुए, मामू कितने? 5,000 देखो मेरे भाई ने मुझे कितने पैसे दिए। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ।
तो देखिए हंसी मजाक हमारा हो चुका है, आप सबको मैंने एकदम नेचुरल तरीके से सब कुछ दिखा दिया कि हम बहन भाइयों में क्या क्या बात हुई पैसों के लिए। और मैंने भाई को बोला, भाई दिखा रहा था ना, देखो मैं अपनी बहनों को कितने कितने पैसे दे रहा हूँ। बच्चे पूछ रहे थे, मामू क्या दे रहे हो ये तो बता दो। मैंने कहा भाई सब पूछेंगे कि दी आपको, आपके भाई ने क्या गिफ्ट दिया, तो मैं दिखा देती हूँ कितने पैसे दिए। कह रहा अच्छा अच्छा दिखाना है क्या, और लेके आता हूँ फिर वो भी दिखा देना कि ये देखो मेरे भाई ने क्या दिया, और ले लो। मैंने कहा दिखाने से मतलब नहीं है, जो तुम दोगे वही दिखाऊंगी। तो उसकी आदत है इसी तरीके से मतलब हंसी मजाक करने की। जब हम लोगों ने भाई दूज सेलिब्रेट कर लिया था उसके बाद अब हम बना रहे हैं यहाँ पे खाना। हम नहीं बना रहे, मतलब सच बताऊँ तो भाभी ने सब कुछ तैयार करके पहले ही रखा हुआ था, बस रोटियों का काम रह गया था, रोटियां बनानी थी। तो मुझे लगता है इनको भी ना खड़े होकर रोटी बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो ये भी आराम से नीचे ही बैठ के इसी तरीके से रोटियां बनाती हैं। तो मैंने तो बस इतनी हेल्प की थी इनकी कि एक साइड से ये रोटी तवे पर डाल के और उनको पलट पलट के मुझे देती गई थी, और मैं रोटियों को इस तरीके से सेक दिया था सारी रोटियों को। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है ना, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है बहुत सारे जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और वैसे सच बताऊँ तो मेरी भाभी हमसे काम नहीं कराती, वो खुद ही कर लेती है। और यही मेरी आदत है, जब मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे घर पे आती है तो मैं भी उनसे काम नहीं कराती, मैं भी खुद ही कर लेती हूँ। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि हम लोगों को निकलना होता है या फिर जल्दबाजी होती है, तो थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं, मैं भी ले लेती हूँ, भाभी भी ले लेती हैं इसी तरीके से, और करनी भी चाहिए, अच्छा भी लगता है, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो सब लोगों को खाना खिलाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं और बातचीत कर रहे थे इसी तरीके से, हंसी मजाक कर रहे थे। और जो मेरी भाभी की साइड में जो इनसे मैंने आपको पहले भी मिलाया था, ये मेरी भाभी की भतीजी है, और जो मेरी साइड में बैठी हुई है वो मेरी भतीजी है छाया, और उनका नाम है रानू, ठीक है। और मेरी बीच वाली जो सिस्टर है वो आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि उनका फास्ट था आज, तो उन्होंने पहले ही खाना खा लिया, तो इसलिए अब हम लोग खाना खा रहे हैं। आप लोग भी आइए, आप लोग भी खाना खाइए। और खाना खा के अब चलते हैं हम डेयरी पे जहाँ पे हैं मम्मी पापा, और हम लोग वहीं पर सोते हैं मम्मी के पास ही। हम इधर यहाँ पे सारे लोग जैसे बच्चे हैं, इनके पापा हैं, सारे लोग इधर सो जाते हैं, लेकिन हम मम्मी के पास ही सोते हैं वहाँ पे आराम से। क्योंकि एक मतलब एक रात का तो टाइम मिलता है, उसमें क्या आराम से बातचीत करते हैं, हंसी मजाक, थोड़ा मम्मी पापा को भी मतलब बातचीत करने का थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो इसलिए हम उधर ही सो जाते हैं। तो खाना खाने के बाद चलते हैं डेयरी पे। और देखिए कल का दिन मेरा कैसा निकला ये आपको देखने को मिलेगा कल। बहुत ही ज़्यादा मज़े हम लोगों ने किए यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और ये आपको कल देखने को मिलेगा। कल भी मेरा व्लॉग जो आएगा 8 बजे ही आएगा, शाम को 8 बजे, तो आप लोग सब ज़रूर देखना। तो अब हम आ चुके हैं डेयरी पर, और इस व्लॉग का मैं एंड करने के लिए जा रही हूँ यहीं पर। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके जाना, और कल के लिए आप लोग इंतज़ार करना, कल 8 बजे शाम को आएगा मेरा व्लॉग, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।